मारे पास हेलो बोल सब बताए। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? अरे साहब दोस्तों कैसे हो वाला आप सब? कैसे आ सर भाई को भाई हमारे दो दिन से तबीयत खराब है जी। बुखार 115 पे हो गया जी। इतना जबरदस्त बुखार हुआ कि घर की चूचे भी टूट गए, गिलास भी फूट गए और खाना भी इतनी। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल रावत पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ठीक हमारे गांव के सामने एक गोपेश्वर शहर और आज सूर्यदेव जी फिर से छिप गए हैं कहीं बादलों के पीछे। चारों ओर बादल लगे हुए हैं आसमान में भी और इन हरी भरी चोटियों के सामने भी। देख सकते हैं आप लोग आज का ये नज़ारा। तो लगभग लगभग पहाड़ों में मानसून पहुंच चुका है, बारिश भी हो रही है और बस कुछ दिन, एक हफ्ते बाद, लगभग एक डेढ़ हफ्ते बाद सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इधर की बात की जाए, ये गौशाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर सब के गाय भैंस बछड़े बैल तो बाहर पे निकाल दिए हैं। इधर ये देख सकते हैं आप लोग, बालखिला नदी भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अब सावन का महीना शुरू होगा। तो माता जी चले गई है गौशाला के लिए, अब मैं जाता हूँ नाश्ता करने। दोस्तों नाश्ता पानी होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मिनी मार्केट सनकोली की तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे लाना है पशु आहार। तो चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे है हल्दी की पौध। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चाचा जी ने आप बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पे रिंगाल लगाए हैं बीन्स के बेलों पे। और यहाँ पे ककड़ियाँ भी कुछ टाइम बाद आप लोग को दिखेंगे। तो मेहनत बहुत है दोस्तों पहाड़ों में। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसे कहते हैं अनार और हमारी बोली भाषा में इसको कहते हैं दड़मा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किस किस के यहाँ पे ये होता है, जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए और आपके इधर इसको क्या कहते हैं ये भी जरूर बताना। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, क्योंकि दुकानदार अभी दुकान पर है नहीं, वो शायद कहीं जा रहे हैं। तो अब जाऊँगा मैं शाम को और उधर से घर आते समय रास्ते में यहाँ पीछे घर में चाची जी लोग यहाँ पे चाय पी, वहाँ पे बैठकर थोड़ा मैं जा रहा हूँ घर की ओर। चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या होता है आज। तो दोस्तों मैं घर आने से पहले थोड़ा सा ऊपर पे गया जहाँ पे हमारे गांव के रामले होते हैं, यहाँ पे मुझे मिले माड़ी काका और माड़ी काका के साथ थोड़ा बहुत बातें करने के बाद आप भी सुनिए उनसे क्या क्या कह रहे हैं मारिका का। और मारिका क्या होनु था? कुछ नहीं बोला। कब है उठतो? आज तो कहाँ पर आ गया? कहाँ थे? केल बड़ा अच्छा। मेरे बार आ गया। हाँ। अब वोट चबल पड़ चा यार दास के। दोस्तों मारिका का बता रहे हैं कि वोट इस बार किसको देना है उपचुनाव में, कुछ जो हो रहा है विधानसभा, बद्रीनाथ विधानसभा में। तो मारिका का बता रहे हैं कि वोट किसको देना है, ठीक है? तो मारिका किसको देना है वोट? हाँ। कमल को देना है। हेलो बोल सब बताए। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? अरे साहब दोस्तों कैसे हो वाला आप सब? कैसे आ सर भाई को? भाई को इसको इसको नहीं क्या उठ लोगो ना इसको इसको चैनल को
चैनल को लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, खास खास ना सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बोल बोल करिए, कच कर देना सब सब्स सब सब्स सब्स क्राइब कार्बोज तो डन तो डन कर देना कर कर प्लीज 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 रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट कर ठीक है। तो दोस्तों हल्की हल्की धूप अब खिल चुकी है। तो मारिका के साथ काफी लंबी मीटिंग होने के बाद अब हम जाएंगे घर की ओर। चले मारिका का चलो तो लेट्स गो। तो मारिका का जी जा रहे हैं घर, तो मैं भी जाऊंगा अब हौले हौले मैं घर। और ची संजू भाई हमारे ज्योतिष संजू भाई यहाँ पे बैठे हैं। ओ सिद्धि हाय हेलो संजू भाई, तुझे कह रहे थे ताई बीमार हो रहा, क्या हो गया? और ची हेलो किले लू बड़ो के वे अच्छा ऐसी दे हेलो कर हेलो कर हेलो कर हाय कर। हमारे दो दिन से तबीयत खराब है जी, बुखार 115 पे हो गया जी, इतना जबरदस्त बुखार हुआ कि घर की चीजें भी टूट गए, गिलास भी फूट गए और खाना भी इतनी बुरी तरह से पच गया और सब भजम हो गया अंदर का खाना। दवाई का तो पता ही नहीं चला जी, बुखार इतना हो रहा उत्तराखंड में रोगी हो गया जी, भयंकर रोगी फैल गया है, वो कोरोना फैल गया दिमाग वाला, करो खोपड़ा फूट गया, कर फूट गया, मरमंड फूट गया, सही लग रहा है रे खोपड़ा भी, इसलिए हमारे बोडा जी भी भाग गए वहाँ से भाग गए। कौन बोडा जी? भी गर्म हो गया जी। जी हाँ जी, तुम्हारे बुखार से? बुखार दे, बुखार इतना खतरनाक 115 डिग्री पे पहुँच गया, पूछिए मत नहीं, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, पानी भी उबलने लग गया जी, आप बताइए हम क्या करेंगे। डॉक्टर भी भाग गया रास्ते से, कह रहे भाई बहुत तापमान बढ़ गया इस लड़के का, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं। तब हमने दवाई ली, देसी दवाई, तब हमें आराम मिला। अदारा जी तो भाई इधर की बात करें तो प्राची और प्रिंस इन लोगों की हो गई है छुट्टी और ये लोग भी पहुंच चुके हैं घर। हाँ काक हाँ मिलते हैं आप लोगों को, तब तक आप लोग भी सो जाइए। तो दोस्तों अभी उठ के बाहर आया तो बारिश हो रही थी शायद, अभी तो नहीं हो रही है और अंधेरा भी होने वाला है। गौशाला जाते हुए, गौशाला जाने का टाइम हो चुका है पहाड़ों में, और माता जी भी पहुंच चुके हैं गौशाला से घर। और इधर रुद्रनाथ की पहाड़ियों पे बादल लगे हुए हैं पनार बुग्याल के जस्ट नीचे से इधर। और दोस्तों इधर की बात की जाइए कुजाओं में कोट साइड, इधर बारिश लगी हुई है जबरदस्त बद्रीनाथ साइड में, शमोली पीपल कोटी तो इसी पहाड़ी के पीछे
पड़ता है तो इस साइड बारिश लगी हुई है अभी। और अब लगभग लगभग सावन का महीना भी स्टार्ट होने वाला है 15-16 तारीख। हमारे हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार सावन का महीना लगेगा, तो हर महीने में बीच में जिस दिन संक्रांति होती है उस दिन से महीना चेंज होता है, आप सबको पता होगा। तो इधर की बात की जाए तो बालखिला नदी में भी पानी का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ चुका है। सावन का महीना स्टार्ट होगा तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में पानी देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अमृत गंगा और बालखिला दोनों मिलकर इसमें बहेंगे और ये अलकनंदा से मिलेगी ठीक चमोली से जस्ट आगे। चमोली के थोड़ा आगे से यह अलकनंदा में जाकर मिलती है।